एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया है कि दो ट्राइंगल हैं, एक ए बी सी और एक डी बी सी, दोनों के दोनों एक ही बेस बी सी पर हैं और एक ही तरफ हैं। ये क्वेश्चन हमें फिगर में गिवन किया हुआ है और ए डी लाइन जो हमने ज्वाइन करी है इसी को आगे बढ़ाया है पी तक। हमें पहले पार्ट में केवल ये प्रूफ करना है कि ये वाला और ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन में ये भी गिवन किया है कि जो एबीसी ट्राइंगल है और जो डीबीसी ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये और ये इसके बराबर होगा बिकॉज आइसोसेलेस है। दूसरे में ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये भी आइसोसेलेस है। तीसरी ये वाली लाइन कैसे हो गई कॉमन, देखो मैंने यहाँ पर दोबारा से बनाया है, ये एडी लाइन हमारी कॉमन आ रही है, ये लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज आगे के स्टेप में होगा। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए बी पी ये वाला जो ट्राइंगल है दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, इस वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसमें देखो एक ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये एपी साइड कॉमन है और ये वाले एंगल दोनों हमने अभी पीछे बराबर प्रूफ किए हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल ये वाले भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हमने किए तो हमने दो बातें प्रूफ करी, एक ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। फिर इन दोनों का सम कितना है 180, तो दोनों कितने कितने के हो गए 90-90 के हो गए। एक बात और प्रूफ करनी है आपको, ये वाला जो छोटा एंगल है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में, ठीक है, हमें इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक। तो ये कैसे करेंगे हम, इसमें ये वाली साइड कॉमन है, ये साइड इसके बराबर अभी प्रूफ किया हमने और ये वाली साइड इसके बराबर, तीन बातें हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। और चौथे पार्ट में भी यही प्रूफ करना था कि ये और ये 90 है, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल बोला है और ये AD एल्टीट्यूड है, मींस ये भी 90 है और ये भी 90 है। वी हैव टू शो दैट दिस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट मींस हमें प्रूव करना है कि BD और DC इक्वल है। हम ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, ये AD साइड कॉमन है, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 है, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो देखो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये अनदर साइड, तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने कह दिया दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to PQ, QR and PN of triangle PQR। यानी आपको गिवन है एक ट्राइंगल दिया है ABC, एक दिया है PQR। ABC की AB साइड PQ के बराबर है, ये BC साइड पूरी QR के बराबर है और ये मीडियन दिया है AM, ये हमारा PN के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन किया है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल ये वाला और ये वाला ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो इसमें हमने ये पहली बात कही, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है, इस पूरी का हमने आधा कर दिया क्योंकि हमें केवल इतना चाहिए और ऐसे ही इस पूरे का भी हमने क्या किया आधा कर दिया। इस पूरे का आधा किया तो ये आया, इस पूरे का आधा करेंगे तो ये आएगा, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। और तीसरी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दी है, तो दैट्स व्हाई दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह दिया तो हमने कह दिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा बाय CPCT, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा ट्राइंगल ABC इस पूरे PQR के इक्वल वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये साइड इसके बराबर, ये पूरी साइड इस पूरे के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर जो कि हमने अभी प्रूफ किया है। इन दोनों बातों से हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सी थ्योरम से, बाय SAS। देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली पूरी साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन में गिवन किया है BE और CF
दो एटीट्यूड एटीट्यूड्स हैं ए बी सी ट्राइंगल के जो कि इक्वल है, यानी बी ई और सी एफ हमें इक्वल दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ए बी और ए सी को हमें इक्वल करके दिखाना है। हमने ये वाले नीचे वाले दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज हमें गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 गिवन है, ये वाली साइड कॉमन है और ये एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड ये भी आपस में इक्वल है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे बना लो, बी एफ सी बना हुआ है एक और एक बनाया है ऐसे बी ई सी, ये 90 ये 90, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है और ये बी सी कैसा है कॉमन है। अब देखो ये राइट एंगल है और इसके सामने ये क्या है हाइपोटेन्यूज है और ये एक अनदर साइड है, तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कहा ये वाला एंगल बी इस वाले एंगल सी के बराबर होगा, यानी ये पूरा एंगल बी इस पूरे एंगल सी के बराबर है। ये दोनों एंगल कब बराबर होते हैं, जब हमारी ये दोनों साइड कैसी हो बराबर हो, ए बी और ए सी इक्वल हो, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए पी ऑन बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। हमें ये गिवन किया है ये साइड इसके बराबर है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हम ये वाला और ये दोनों ट्राइंगल लेके चले, इसमें हमने कहा ये साइड इसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है, ये एंगल 90 ये एंगल 90 ये भी क्वेश्चन में गिवन है और ये वाली जो बीच की लाइन है ये कॉमन है। तो ये हुआ आर, ये हुआ एच और ये हुआ एस, तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है बाय सीपीसीटी।